इत्थे आउण दी एक खास वजह है। पहला सौं चुक समागम महिला च क्रिकेट स्टेडियम च जां राजभवन च हुंदे सी, हुण इह सौं चुक समागम शहीदां दे पिंडां च आए ने, क्योंकि जिन्हां ने आपां नूं मुल्क लैके दित्ता है उन्हां नूं याद तां करिए, कल्ला 23 मार्च जां 28 सितंबर नूं थोड़ी याद करना, उह तां साडे दिल च बसदे आ भगत सिंह होरी तां। मत्था टेक के सुकून मिलिया मेरे लिए, खटखड़ कलां कोई नवां नहीं, मैं बहुत बार इत्थे आउंदा रहिंदा। भगत सिंह होरां ने सुपने लए सी जिहड़ी आजादी दे, उह आजादी आम घरां तक पहुँचाउण दी लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है। तुसी साथ दिता है, कई जन्म लैने पैणगे तुहाडे इस प्यार दा करजा उतारन लई। जिन्ना प्यार तुसी दिता है किसी ने सोचा नहीं सी कि ऐं भी हो सकता है। मैं अज किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, मैं तुहानू भी एक दो गल्लां कहनियां ने, हंकार नहीं करना, ये नहीं किसी घर मूहरे जाके ललकारा नहीं मारना कि असी जित गए ये हो गया वो हो गया, कोई गल नहीं। जिन्होंने आपां नूं वोटां नहीं भी पाईआं आपां उन्हां दे भी मुख्यमंत्री हाँ, आपां उन्हां दी भी सरकार है, कोई गल नहीं। डेमोक्रेसी है, हरेक नूं हक है। सुकत दे कोई इस तरह की खबर ना आवे कि देखो जी ये हंकार कर गए, नहीं। हंकार का सिर नीवा हुंदा है, क्योंकि वक्त बहुत वड्डी चीज़ है, पब्लिक भी बहुत वड्डी चीज़ है। पब्लिक जदों चाहे बंदा अरश ते, पब्लिक जदों चाहे बंदा फर्श ते। शहीद आजम भगत सिंह होरां ने सोचा सी, उन्हां नूं ये बिल्कुल फिक्र नहीं सी कि देश आजाद किवें होगा। उन्हां नूं फिक्र इस गल दा सीगा आजादी तो बाद देश किहड़े हत्थां जाऊगा, और उन्हां दा डर जिहड़ा फिक्र जिहड़ा सही भी साबित होया। जिन्हां हत्थां च आया 70 साल तो कुछ नहीं होया, असीं तां बाहर नूं भज्जी जांदे आ, असीं तां वीजे लवा लवा के उन्हां कोल जाई जांदे आ जिन्हां नूं कढ़न लई शहीद आजम भगत सिंह वर्गे हज़ारां योधे जिहड़े ने उन्होंने फांसी के रस्से चूमे।